हरियाणा की राजनीति में होगा बड़ा उलटफेर। जेजेपी इनेलो में होगा अब तक का सबसे बड़ा समझौता। हरियाणा का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी जेजेपी और इनेलो। दुश्मनी भूलकर साथ आएंगे दोनों भाई। कांग्रेस और बीजेपी की बढ़ने वाली है टेंशन। इनेलो को हाथी का साथ मिलने के बाद बदल जाएगा हरियाणा की राजनीति का गणित। चाचा भतीजे सवार होंगे राजनीति की एक ही नाव में। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। बॉलीवुड की पुरानी फिल्में तो आपने बहुत देखी होगी, वही फिल्में जिसमें दो भाई होते हैं और हालात के मारे ये भाई एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। लेकिन फिल्म का क्लाइमेक्स जैसे जैसे नजदीक आता है तो विलन को निपटाने के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन चुके ये भाई एक साथ हाथ थाम कर हैप्पी एंडिंग करते हैं। ये किस्सा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि हरियाणा की राजनीति में 2018 में एक ऐसा ही सीन दोहराया गया था जब इनेलो से अलग होकर एक नई पार्टी जेजेपी प्रकट हुई। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के दो बेटे अजय और अभय ने तब राजनीति में अपनी राहें अलग अलग कर ली थी। वो समय ऐसा था जब इनेलो का जोर हरियाणा में जबरदस्त था, लेकिन पार्टी से एक भाई के अलग होते ही इनेलो का जोर भी खत्म हो गया। यहां से उदय हुआ जेजेपी का, जिसने 2019 के चुनाव में 10 सीटों पर मोर्चा मारा और दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार में 4.5 साल तक अपनी भागीदारी निभाई। लेकिन अब सरकार से बाहर होने के बाद जेजेपी के सामने भी उदय से अस्त का संकट मंडरा रहा है। यानी हिसाब जेजेपी और इनेलो का फिलहाल हरियाणा में एक जैसा लग रहा है। लेकिन इनेलो बीएसपी के हाथी पर सवारी करके हरियाणा में अपनी डूबती हुई नैया को पार करने की जुगत में लगी हुई है। तो वहीं अब एक सवाल सबके जहन में ये है कि क्या 2018 में बिछड़े दो भाई 2024 में कांग्रेस और बीजेपी की टेंशन बढ़ाने के लिए एक साथ आ सकते हैं? क्योंकि बड़े भाई अजय चौटाला ने तो इस बात के साफ साफ संकेत दिए थे कि अगर पिता यानी ओम प्रकाश चौटाला चाहे तो इनेलो के साथ आ सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे फिलहाल का हरियाणा में राजनीतिक गणित पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। यानी कि जो कांग्रेस इस बार वापसी की उम्मीद कर रही है उसकी राह में बड़े बड़े ये रोड़े मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो वहीं तीसरी बार उम्मीद देख रही बीजेपी की भी नींद उड़ सकती है। लेकिन क्या ऐसा होना संभव है? तो इसका जवाब है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। ये तो दो भाइयों की कहानी है, यहाँ तो दो जानी दुश्मन भी राजनीति की मलाई खाने के लिए साथ और हाथ मिला लेते हैं। इसके लिए ईमानदार केजरीवाल को ही ले लीजिए, जो कल तक कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल भेजने की बात करते थे, आज कांग्रेस की गोदी में ही बैठे हैं। लेकिन जेजेपी इनेलो के बीच समझौते में एक बड़ा पेच है और वो है बिल्लू यानी अभय सिंह चौटाला के गर्म तेवर, जिसके चलते उन्होंने अजय चौटाला के इस बयान पर उन्हें गद्दार कहते हुए पानी फेर दिया था, जिसमें उन्होंने इनेलो के साथ आने की बात कही थी। तो आपको क्या लगता है, 2024 के चुनाव में इनेलो और जेजेपी को एक साथ आ जाना चाहिए? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं। और अगर रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।